मैं नरेश कुमार तंवर, मेरा लड़का कुणाल तंवर जो कि जन्म से गेहूं के एलर्जी से पीड़ित था, उसके बारे में मैंने एलोपैथिक ट्रीटमेंट के लिए काफ़ी डॉक्टरों के पास गया। तब उन्होंने ये बताया कि भाई गेहूं ही नहीं खाना, गेहूं से बने हुए प्रोडक्ट आपको आजीवन कभी नहीं खाने, यही इसका अभी वर्तमान में इलाज है। उसके बाद में मैं आयुर्वेदिक चिकित्सालय गया, वहाँ भी उनको मैंने कहा तो तब भी उन्होंने दवाइयाँ तो मेरे को दी, लेकिन उन्होंने ये कहा कि भाई गेहूँ नहीं खाना ही इसका इलाज है। फिर उसके बाद में एक देसी बहस जी थे, उनका मैंने 3-4 साल ट्रीटमेंट लिया, उससे मतलब कोई दिक्कत तो नहीं हुई दवाई लेते हुए, लेकिन पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था। डॉक्टर डी एल गंगवाल साहब का 2012 के लगभग मैं मुझे पता चला कि भाई ये कोई गेहूं से एलर्जी का ट्रीटमेंट देते हैं, तो मैं इनसे संपर्क में आया, इनसे मैंने बच्चे की दवाइयाँ चालू करवाई। तब धीरे धीरे हर 3 महीने ये टेस्ट करवाते थे, उसमें कभी ऊपर जाता था रेशियो, कभी नीचे आता था। तो पुराने बोले भी इस दवाई को आप कंटिन्यू बनाए रखें, 4-5 साल का लंबा ट्रीटमेंट है, इसमें आप घबराए नहीं, बच्चा निश्चित रूप से एक रोज़ गेहूँ से बने प्रोडक्ट सभी खाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं हर महीने इनसे दवा लेके जाता और बच्चे के हर 3 महीने में एक रिपोर्ट होती थी IIG, वो रिपोर्ट करा के इनको देता। चलिए धीरे धीरे उन डॉक्टर साहब की राय से हमने इसको गेहूँ से बने आइटम देना चालू किया, तो ये खाने लग गया। उसके बाद में हमें आज तक कोई दिक्कत नहीं हुई, खाने की क्वांटिटी धीरे धीरे बढ़ाते गए और ये आज वर्तमान में सब कुछ खाता पीता है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी हेल्थ है, अच्छी हाइट है, स्वस्थ है। एक मैं कहना चाहूँगा कि जैसे ही मैंने बच्चे का ट्रीटमेंट लेना चालू किया तो डॉक्टर साहब से मैंने कहा भी कितने टाइम में ठीक हो जाएगा, बोला इसकी आप चिंता ना करें, जो भी टाइम लगेगा मैं आपको बता दूँगा, आप बराबर इसकी दवाइयाँ लेते रहें, इसको फ़ायदा मिलता रहे तो आप लेते रहना, अदरवाइज कोई दिक्कत हो तो आप ना लें। तो मैंने बराबर कभी भी आपको हिम्मत से ये दवाई कुछ 1 साल से लेकर 5 साल तक चल सकती, मेरे बच्चे के 5 साल तक चली है, लेकिन जैसे ही फ़ायदा आने लगेगा तो जो भी टेस्ट करवाते हैं उसमें पॉजिटिव रेस्पॉन्स आने लगता है, उसके बाद में डॉक्टर साहब उस दवाई को थोड़ा थोड़ा कम करते हैं, लेकिन ये दवाई लंबे टाइम तक चलती है। ये आदमी को संयमता से इसको इसकी दवाई की पालना करनी चाहिए, समय से लेनी चाहिए। आज बच्चा पूर्णतः स्वस्थ है और सब तरह के गेहूँ से बने प्रोडक्ट का सेवन कर रहा, कोई कहीं दिक्कत नहीं है। धन्यवाद। मेरा नाम कुणाल तंवर है, मैं रहने वाला हूँ जयपुर का। तो चक्कर आते थे, पेट में दर्द होता था और बस यही होता था, और कभी कभार ज़्यादा बुखार चढ़ जाता था, फिर उसकी वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। ट्रीटमेंट चालू करा था 2012 में और रहा 2017 तक, ऐसा कुछ। मेरी हाइट कम थी बहुत, मतलब नॉर्मल नहीं था, मैं नॉर्मल हाइट की थी। अभी आपकी हाइट कितनी है? अभी मेरी हाइट है 5.9889। सब चीज़ खा रहा हूँ गेहूँ से बनी हुई।